जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 26 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। ये लेक्चर गाइस स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लस अगर आप यूपीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का नंबर वन यूपीपीसीएस का पेड बैच, ज्ञान सर का पेड बैच, इसको ज्वाइन करें इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। प्लस इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप जरूर ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम के पेज को जो है फॉलो करिए। यहाँ पर हम लोग आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। सो आज के कौन से टॉपिक है जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? सो इंडिया और जापान के रिलेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मलयालम सिनेमा क्या चैलेंज आज की डेट में फेस कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल एजुकेशन के अंदर मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है वो क्या होती है, तो इस पर हम बात करेंगे। आजकल मेडिकल एजुकेशन छोड़ो, सभी हर प्रकार की एजुकेशन में मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है वो आप लोग को रूटीन में लाने का होता है कि आपका रूटीन जो है बढ़िया रहे, है कि नहीं। फिर मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ब्लू मून फिनोमेना भी हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। तो और जो पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए सिर्फ वही चीज लिखनी है, उसी से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग बात करेंगे जापान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। इनकी तीसरी 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टेरियल मीटिंग हम लोग को देखने को मिली। अब देखो ये कौन सी मीटिंग है, मिनिस्टेरियल मीटिंग है, किसकी, फॉरेन और डिफेंस की। मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जापान और इंडिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। कहां पर, दिल्ली में। ये मीटिंग जो थी इसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे कि आज की रेट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या चल रही है, भू राजनीतिक तनाव जो है वो क्या चल रहे हैं। चाइना आज की रेट में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस वहां पर कर रहा है, तो इसको रोक लगानी है इस पर, राइट। क्योंकि देखो सभी कंट्रीज को बहुत अच्छे से पता है कि चाइना जो है वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है, इसका मतलब हुआ विस्तार नीति, सिंपल शब्दों में, और कि चाइना दूसरी कंट्रीज को, दूसरी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो पहला तो सबको पता है कि चाइना की ये स्ट्रेटजी है। दूसरा, सब लोग जानते हैं कि चाइना जो है वो स्पाई करता है, निगरानी रखने की कोशिश करता है, खुफिया इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री से निकालते हैं, और उसको कई केसेस तो ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें लीगल सोर्सेस ओपन नहीं हुए, बट होता ना कि अननोन सोर्सेस के द्वारा जो है वो, जो बोलते हैं ना कि कई बार न्यूज में आप सुनते होंगे कि हमें कुछ हमारे गुप्तचर के द्वारा ये जानकारी जो है वो मिली है, खुफिया गुप्तचरों के द्वारा। तो ये क्या हरकत करता है, ये किसी कंट्री की जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को ये चुरा कर कहीं और बेचता है जैसे डार्क वेब, और उससे पैसे कमाता है, और इससे उस कंट्री की सिक्योरिटी पर जो है वो खतरा पड़ जाता है। तो ऐसी हरकतें भी इसकी देखने को मिलती हैं कई केसेस में। तो ये सभी के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी कंट्रीज जानते हैं। तो इंडिया और जापान ने भी मिलकर इसी चीज के बारे में डिस्कशन किया और ये कहा कि हम दोनों मिलकर जो है वो और बेहतर तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, इस पर जो है वो काम करेंगे। तो सबसे पहली जो बात हुई, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारा है, हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र, इंडो पैसिफिक ओशियन का, तो उस क्षेत्र को जो है वो हम लोग को क्या करना है, फ्री ओपन रूल बेस्ड। फ्री का मतलब उस क्षेत्र में ट्रैवल जो हो, यानी कि शिप जो है उस क्षेत्र में जा रही है वो फ्रीली जाए, उस पर कोई रोक टोक ना हो। ओपन मतलब सभी के लिए क्षेत्र खुला रहे, किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखना है, और रूल बेस्ड कि कुछ नियमों का पालन करते हुए यहां पर ऑपरेशन करने हैं, क्लियर। फिर इसके अलावा इन्होंने, चाइना जो है बहुत तेजी से इस क्षेत्र में अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, उसको लेकर चिंता व्यक्त की गई। फिर यह भी कहा कि कंट्रीज आपस में जो है वो एक साथ एकजुट हो, जैसे आशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आशियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक जो सपोर्ट किया जा रहा है उसको, कि भाई इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो ये भी शांति और स्टेबिलिटी बरकरार रखने का काम करे, तो इसको भी सपोर्ट दिया जाए। इन्होंने ये बोला कि हम
सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड कराए थर्ड कंट्रीज को, थर्ड कंट्रीज मतलब पुअर कंट्रीज को, राइट, जिससे कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट की जा सके। तो ये सब नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। अब डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, रक्षा सहयोग की बात करें, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई ये एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप होगी इंडिया और जापान के बीच में, यानी कि हम मतलब मेन डिफेंस कोऑपरेशन पर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेगी। सिंपल सीरीज, जापान की 2022 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उसको और मजबूत बनाया गया, जिससे कि दोनों के बीच में डिफेंस रिलेशन और स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जैसे कि वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमेक्स, शिनयू मैत्री, मालाबार, इसको जो है वो एक्नॉलेज किया गया, स्वीकार किया गया कि हाँ भाई इन सब में हमें प्रोग्रेस और करना है। दोनों ही कंट्रीज ने एग्री किया कि वो अपडेट करेंगे अपनी 2008 का जॉइंट डिक्लेरेशन, जिससे कि जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस आज की रेट में चल रहे हैं उनको फुलफिल किया जाएगा, राइट। और आज की रेट में जो उभरती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है ग्लोबल सिक्योरिटी, वैश्विक सिक्योरिटी चैलेंजेस बेसिकली, तो उसको ओवरकम करने के लिए काम किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सब मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइजेस हैं इनके नाम आप लिख लीजिए जो इंडिया और जापान के बीच में हम लोग को देखने को मिलती हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जापान डिफेंस पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया गया, मतलब मेनली अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी और डिफेंस पर दोनों ने मिलकर बातचीत करी है बस। इसमें इन्होंने काउंटर टेररिज्म पर भी फोकस किया, क्योंकि टेररिज्म का इशू भी हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। यस, इन्होंने ये भी बोला है कि जिस प्रकार से 26/11 का मुंबई इंसिडेंट हुआ था, तो उस प्रकार के इंसिडेंट जो है वो नहीं होने चाहिए, राइट, इन फ्यूचर। तो यही कहा गया कि जो टेररिस्ट का सेफ हेवेंस होता है, जैसे कि पाकिस्तान को यहाँ पर टारगेट किया गया और चाइना और पाकिस्तान फ्रेंड है, तो उसमें ये बोला गया कि भाई टेररिस्ट को पनाह किसी भी तरीके से नहीं देनी है, टेररिस्ट के पास फंडिंग नहीं आनी चाहिए कहीं से भी, इस पर फोकस करना है, टेररिस्ट के मूवमेंट को रोको, राइट, तो इन सब चीजों पर फोकस करना है। फिर उन्होंने अलकायदा, ISIS, दाइश, लश्कर ए तायबा, जैश ए मोहम्मद, तो इनके बारे में जो है वो बात करी, राइट, इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग स्ट्रेटजीज, प्रिंसिपल्स, इन सब चीजों को डिस्कस किया। फिर इसके अंदर ये बोला कि जापान की यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना और कुछ टेक्नोलॉजीज है इसी से रिलेटेड जो डिफेंस को और स्ट्रेंथन करेंगी, मजबूत बनाएंगी, तो उसमें ये चीज कही गई कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी इंडिया को, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूनिकॉर्न सिस्टम जो अपनी मिनिमाइज रडार सिग्नेचर की एबिलिटी के लिए जाना जाता है, मतलब कि ये अपनी छाप कहीं पर छोड़ता नहीं है सिस्टम, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेवी की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। दोनों ही कंट्रीज अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे नेवल शिप्स के मेंटेनेंस के लिए इंडिया के अंदर, यानी कि जापान के शिप जो है वो इंडिया के अंदर मेंटेन होंगे, राइट, तो शिप बिल्डिंग के एरिया पर जो हमारा टारगेट भी है कि इंडिया को जो है वो शिप बिल्डिंग के मामले में नंबर वन बनाना, तो यहाँ से भी हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, राइट, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें ये भी कहा गया कि महिलाओं का जो रोल होता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, उसमें महिलाएं भी जाती हैं, वुमेन ऑफिसर्स जाती हैं। फिर इन्होंने ये भी बोला कि वुमेन पीस सिक्योरिटी एजेंडा को इन्होंने सपोर्ट करने की बात करी, राइट, ये एजेंडा जो है इसमें मेन रोल वुमेन का हम लोग को देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है वो मेनली फोकस करती हैं कि किसी भी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी किसी प्रकार का जो इश्यूज जो आते हैं ग्लोबल लेवल पर या रीजनल लेवल पर, राइट, तो उसको महिलाओं का रोल ऐसा होता है कि वो उस इश्यूज को खत्म करने पर टारगेट करती हैं, शांति बरकरार करने पर टारगेट करती है, और कई बार जब इशू हो जाते हैं तो उसके बाद रिकवरी करने पर महिलाओं का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में चर्चाएं की गई। अब इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात करें तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होती है 6th century से, कब से, 6th शताब्दी से, जब हमें देखने को मिला कि बुद्धिज्म जापान गया। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रिलेशन जो है उसमें हमने जापान का सपोर्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे जापान के अंदर। मेरा क्वेश्चन अब आप लोग से है कि उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम बताइए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स कौन से थे जो गिराए गए थे जापान के अंदर और कहां पर, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र, तो आपको बताइए चलो कौन से बॉम्ब थे वो गिराए गए थे, ये बताइएगा उसके नाम। तो उसके बाद हमने भाई जापान को रिकवर करने में हेल्प करी, राइट, सपोर्ट किया कि नहीं भाई उसकी रिकवरी करनी है क्योंकि बहुत खतरनाक इंसिडेंट था।
रिलेशन और मजबूत हुए सन 2000 से जब एस्टैब्लिश किया गया ग्लोबल पार्टनरशिप, फिर बाद में स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप 2014 में, और इवन जापान भी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया के 5 ट्रिलियन येन 2023 में, मतलब ये प्लेज ली थी इसने कि 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगा जापान, ये इसने संकल्प लिया था, और इससे इकोनॉमिक टाइज हम दोनों कंट्रीज के जो है वो बेहतर हुए। इंडिया लार्जेस्ट रेसिपियंट है जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का, यानी कि जापान की तरफ से हमें काफी हेल्प जो है वो मिलती है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, हाई स्पीड रेलवे इनिशिएटिव्स की बात करें, राइट, तो इस प्रकार से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में जापान हमें काफी हेल्प करता है, काफी ज्यादा, राइट। तो ये टॉपिक था, इसमें कुछ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी, इंडिया और जापान के रिलेशंस जो होते हैं बेसिक जो चीज हमने जानी, राइट। हालांकि जब जनरल स्टडीज की क्लासेस में इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ोगे तब आपको और डेप्थ में जो है वो चीजें समझ में आएंगी। ये सब तो बहुत कॉमन सी चीजें, सिर्फ दिमाग पर रखनी, सुननी है आपको, राइट। अब नेक्स्ट, मलयालम सिनेमा क्या चुनौतियां फेस कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर हिट कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। तो हेमा कमेटी की रिपोर्ट लिख लो भैया, ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। हेमा कमेटी अभी रिसेंटली न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है, तो ये ऑब्वियसली बात है, मलयालम सिनेमा की बात करें तो उसी से रिलेटेड है। तो हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आती है, 5 साल बाद ये रिपोर्ट सामने आई, इसने काफी सारे मुद्दे के बारे में बात करी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। पर्टिकुलरली ये कहा गया कि वहां पर महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये रिपोर्ट के अंदर सेक्सुअल अब्यूज जैसी शिकायत सामने आ रही है, भेदभाव किया जा रहा है लिंग के आधार पर, सही वर्किंग कंडीशन नहीं है, और भी ऐसे काफी सारे मुद्दे की बात की गई जिस पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये भी कहा गया कि हम लोग को जो है वो एक लीगल और स्ट्रक्चरल सुधार लेकर आना है, जिससे कि जो ये मुद्दे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो रिजॉल्व हो सके। सेक्सुअल अब्यूज का तो बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया, रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि सीरियस केसेस सेक्सुअल अब्यूज के सामने आ रहे हैं, जिसमें अनवांटेड एडवांसेस, यानी कि अनवांटेड एडवांसेस का मतलब किसी को बोलते ना कि आपको जो है वो सपोर्ट कर, वो कास्टिंग काउच जो हम लोग को देखने को मिलता है कि आपको हीरोइन बनाया जाएगा बट उससे पहले यू हैव टू डू सम फेवर्स, तो वो कोरिशन और थ्रेट्स, इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है कि सामने आई, जबरदस्ती की जा रही है, धमकियां दी जा रही है, कास्टिंग काउच के नाम पर कहा जा रहा है कि आपको फिल्म मिल जाएगी, यानी कि आपको प्रमोशन मिलेगा बट ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, तो ये हाईलाइट कर दी है हेमा कमेटी ने इनकी रिपोर्ट ने। सो ये देखो लिखा भी, नोटोरियस कास्टिंग काउच प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा है, जिसमें वुमेन को फोर्स किया जाता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो देंगे बट आपको सेक्सुअल फेवर जो है वो करने पड़ेंगे, राइट। और ये सब चीजें कॉपरेटिंग आर्टिस्ट कहा जाता है इनको, कि आर्टिस्ट भैया आपको कॉपरेट करना पड़ेगा करने के लिए, ये घटिया चीज है। काफी सारी महिलाएं जो है वो कई बार जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि नाम भी नहीं लेती, मजबूर उनको किया जाता है, राइट, सहती रहती हैं, फिर जब इमोशनल ट्रॉमा सहती रहती हैं, फिर जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो उसके बाद फिर चीजें सामने आती हैं कि इतनी इतनी सब चीजें होने के बाद, सालों तक उनका शोषण होने के बाद उनको काम ना मिले तो उनको समझ में आता है कि नहीं मेरे साथ तो गलत हो रहा है, फिर आवाज उठाती हैं। कई किस्म तो आवाज भी नहीं उठाया जाता, अपने घर चली जाती हैं समाज के डर से। तो वुमेन जो है वो फ्रीक्वेंटली फेस कर रही है हरासमेंट फिल्म सेट्स में, और दे ऑफन रिक्वायरिंग देम टू ब्रिंग फैमिली मेंबर्स फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए वो कई बार अपने परिवार के सदस्यों को लेकर आती है वहां पर कि भाई उनको प्रोटेक्शन मिल सके, बट बोल दिया जाता उनको कि भाई अगली बार से अकेले आना, नहीं तो मत आना, तो ये भी एक इशू हो जाता उनके साथ, राइट। तो ये बड़ी दिक्कत है। अरे आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई है, आप भाई साहब एक छोटे से पेन के अंदर ही कैमरा रहता है, हिडन कैमरा यूज करो, सामने वालों को एक्सपोज करो, और एक्सपोज करने के बाद, अच्छा एक डर ये भी होता है कि सामने वाले को अगर एक्सपोज कर दिया फिर उसके बाद तो वुमेन को काम मिलना ही नहीं है, कोई और दूसरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम ही नहीं देगा अगर उसकी मंशा इस प्रकार की है तो। बट देखो इंडस्ट्री में सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर आर्ट है, तो आज की रेट में देखो आप यूट्यूब के थ्रू भी उठ सकते हो,
पब्लिक आपको पसंद करनी चाहिए, पब्लिक ने जहां आपको पसंद किया वो आपको उठा देंगे। आप देखो यूट्यूब में लोग करोड़ों रुपए छाप रहे हैं भाई, आप देखिए। अब वो राजेश करके एक ट्रक ड्राइवर है, आज की रेट में उनका 2 करोड़ से ऊपर का तो घर है भाई, ट्रक ड्राइवर का, सोचिए आप। उन्होंने ट्रक चलाकर ट्रक के अंदर खाना बना बना के ब्लॉग दिखा दिखा के इतना पैसा कमा लिया। तो अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, एक यूनिक अंदाज है आपका, कला है आपके अंदर, तो आप डेफिनेटली छा सकते हो। यूट्यूब आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है जहां पर जनता आपको पसंद करेगी, फिर उसके बाद फिर आपका वो याद है कुछ लोगों ने वड़ा पाव बेच के नौटंकी कर करके बिग बॉस तक पहुंच गए थे, ऐसी भी खबरें आप लोग को शायद पता ही है। तो ये नहीं हो सकती, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग की नहीं दिक्कतें आएंगी, बट हाँ जो गलत कर रहा है भाई उसको एक्सपोज करना जरूरी है, और उसके लिए यूज टेक्नोलॉजी। और महिला को तो रखना ही चाहिए अपने साथ, इस प्रकार के पेंस वगैरह अपने साथ रखना ही चाहिए कि कभी कोई घटना हो, क्योंकि अपना आज की डेट में अपनी सोसाइटी उतनी क्लीन नहीं है भाई कि आप किसी पर भी भरोसा कर सको। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो आपके पास वो चार्जिंग होना चाहिए पेन की, पेन पे या जो भी आप बटन वटन भी आते हैं आजकल, तो यूज करो भाई कि जिससे कि एटलीस्ट सबूत रहे, और घर वालों को किसी को पता होना चाहिए आपके पास ये चीज है कि कहीं पर फंस जाओ कुछ हो जाए ऐसी ऐसी चीज, तो अलर्ट उससे पहुंच सके या पूरी चीज रिकॉर्ड हो सके, राइट। उस पर ध्यान देना जरूरी है। एनवायरमेंट जो है फर्दर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, कई बार ड्रग्स दे दिए जाते हैं, एल्कोहल दे दिया जाता है, मेल कलीग के साथ एल्कोहल पी रही है नशे में, फिर उनके साथ गलत हरकतें हो जाती हैं, ये चीजें भी है। और कई बार मना कर दी कि भाई पीना नहीं है, पीना नहीं है, पीना नहीं है, तो उनकी ड्रिंक्स में मिला दिए जाते हैं कुछ ड्रग्स, बहुत सारी चीजें। और मेरा मानना तो यह भाई, जब तक आप किसी पर ट्रस्ट ना करो उसके हाथ का पानी तक ना पियो। अभी परसों नर्सों की एक न्यूज है, एक एक बच्चे को जो है वो ड्रग्स दे दिए थे और उसका पूरा सामान वगैरह लूट लिया था, राइट। तो वो चीजें भी हमारे पास लीगल प्रोटेक्शन तो है, बट ऑब्वियस ही बात है कि महिलाएं जो है वो कंप्लेन फाइल नहीं कर पाती हैं पब्लिक शेमिंग के कारण, जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्योंकि भाई सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड स्टिग्मा है। अभी हमारी एक परिचित है थोड़े दूर के, उनके साथ जो है वो कहानी हो गई थी, अभी उनके घर वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे फिर सामने जाना पड़ा कि भाई गलत बात है ये। वो एक कॉलोनी से निकल रही थी, बार बार एक लड़का छेड़ रहा, वो बच्ची बता नहीं रही घर पे, क्यों नहीं बता रही, एक बार उसने बताया तो उसके घर वालों ने निकलना बंद कर दिया, उसका बाहर कोचिंग जाना बंद कर दिया कि नहीं तुम जाओ ही मत। अरे ये कौन सी बात हुई भाई, उससे ज्यादा जरूरी था कि बच्ची को बोलना चाहिए था कि बेटा फोटो खींच ले और चल अपन कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस को कंप्लेन करो तुरंत। और मेरा मानना यह है कि जहां आपको लग रहा है कि आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, तुरंत डायल 100 या 112, तुरंत आपके पास जो है इमरजेंसी सर्विस आएगी, और ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको आने में, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पूरी व्यवस्था हो जाएंगी। वो डायलॉग पुराने थे कि पुलिस हमेशा देरी से आती है, यहाँ पर जब आप डायल 100 करोगे ना तो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है और ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो आप थोड़ा अब आप लोग खुद तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विस ऑफिसर बनने की, तो ये सब सीख आपको पहले होनी चाहिए, तब जाकर आप दूसरों को दे पाओगे। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। फीमेल आर्टिस्ट जो है उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज उनके पास नहीं होती, जैसे कि टॉयलेट्स, पर्टिकुलरली आउटडोर लोकेशन में कंडीशन जो है वो और भी खराब होती है मेंसुरेशन के पीरियड में, है ना। जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी सफर कर रहे होते हैं बहुत सारी, मतलब इनह्यूमन कंडीशंस को मैं बोलूँ, या दयनीयता परिस्थितियों को, उनके लिए तो और चीज़ें खराब रहती है यार। उनको 19-19 घंटे तक काम करवाया जाता है, पे भी उतना अच्छा खासा नहीं मिलता उन लोग को, राइट। अभी अनुराग कश्यप का एक मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, तो उसमें वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बोली कि जो सेक्रेटरी होता है, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है किसी भी आर्टिस्ट का, तो उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना मेकअप आर्टिस्ट लेके चले जाता है, मतलब एक दिन के 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक। तो जूनियर आर्टिस्ट तो बहुत ही, इनकी तो हालत ही खराब होती है, 2-2-3 दिन। अभी वो नवाजुद्दीन ने बताया था 2,000-5,000 रुपये मिलते थे उसको, राइट। तो ये कहानियां हैं। पेमेंट मिस अप्रोप्रिएशन यही होता है कि कई बार किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, तो आजकल डिमांड भी रहती है आर्टिस्ट की कि भाई मुझे वैनिटी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट इन लोग को बाहर खड़ा कर दिया जाता है, राइट, जूनियर आर्टिस्ट वगैरह को। अब सुनो आगे की चर्चा करें,
अब ये चीज आपके लिए काम की है भाई, क्योंकि देखो आप बनना, ये तो मैंने जो बातें बताई ये कॉमन बातें हैं, आपको कोई भी बता देगा, बट आपको पता होनी चाहिए ये चीज है कि भाई सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो हमें देखने को मिलता है, ऐसे यौन अपराध जो होते हैं उसके लिए सेक्शन 354 है और 509 है आईपीसी का। यस, ये याद रखो, लिख लो आप। फिर हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसमें यह कहा गया है कि स्टैब्लिश करो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जिससे कि जो भी कंप्लेंट है सेक्सुअल हरासमेंट की उसको एड्रेस किया जाए, ठीक है। और ये हम लोग को ये देखने को मिलता है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉस्को 2012, ये बच्चों को जो है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है। फिर एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ये आपको ध्यान में रखना है सब कानून। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को अधिनियम। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्सीन मटेरियल जो है वो ट्रांसफर नहीं करना है, राइट। तो ये सब चीज है, बात समझ रहे हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये लीगल फ्रेमवर्क है। अब रिकमेंडेशन अब क्या दिए कमेटी के द्वारा, कमेटी का नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अभी जिस कमेटी के बारे में बात करें देखते हैं कि किसको, अभी कोई पीछे नहीं देखेगा, कमेटी का नाम लिखकर बताओ कि किसको याद है, फटाक से पॉज करके। अगर याद नहीं आया तो फिर फोकस के साथ तैयारी जो है वो नहीं कर रहे हो। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रिकमेंडेशन जो है वो दिया है हीमा कमेटी के द्वारा कि आप जो है वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाओ, राइट। फिर ये कहा कि एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर होना चाहिए, यानी कि कोर्ट होनी चाहिए अलग से इन केसेस को हैंडल करने के लिए। देखो लिखा भी है कैमरा प्रोसीडिंग भी आप करो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होने चाहिए, राइट, सभी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए, राइट। रिकमेंड किया जा रहा है कि एक मैंडेटरी जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग करो सभी कास्ट और क्रू के लिए, राइट, जब प्रोडक्शन शुरू होता है उससे पहले। फिर महिलाओं वुमेन प्रोड्यूसर जो है उनको सपोर्ट करो, सजेस्ट, मतलब क्योंकि देखो अगर महिला डायरेक्टर महिला प्रोड्यूसर होंगी तो ऑब्वियसली बात है इस प्रकार का शोषण नहीं होगा, बट हाँ ये भी अब हम 100% नहीं कह सकते हैं क्योंकि कई केसेस में वहां पर भी क्रिमिनल माइंडेड चीजें हो जाती हैं और फिर और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। तो आप एक धारणा को जो है वो लेकर चल नहीं सकते हो, राइट। तो आपको हर एंगल से चीजों को देखना जरूरी है तभी आप ऑफिसर बनोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल टास्क फोर्स ऑन मेडिकल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट 2024, ये नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर हमें देखने को मिलता है। इस टास्क फोर्स ने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल दी है मेडिकल स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो पूरी कंट्री के अंदर एक सर्वे जो है वो किया गया जिसमें कहा गया कि भाई जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट हो तो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में रहते हैं वो लोग, सुसाइडल आइडिएशन यानी कि सुसाइड करने का बार बार उनके विचार जो है वो आते रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कहा गया कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली रिक्वायर्ड है कि भाई आप उनकी मेंटल हेल्थ सपोर्ट पर जो है वो काम करें, राइट, और एजुकेशन पॉलिसीज पर जो है वो काम करें मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर। तो हालांकि ये सभी आज की डेट में सभी एजुकेशन पर इसकी आवश्यकता है भाई, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक अलग प्रैक्टिस जो है वो करवाई जाए, एटलीस्ट स्कूल के अंदर मेडिटेशन और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बट क्या होता है कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा स्टड समझते हैं अपने आप को, राइट, दैट इज ट्रू, क्योंकि मैं भी था तो मैं भी, मुझे भी पता है, आप भी होंगे तो आपको भी पता है कि अपन को लगता था अरे यार क्या मेडिटेशन करना, हरा मेडिटेशन अपने काम का नहीं है। बट लेटर इन लाइफ आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे माइंड जो है वो पीस होता है, कॉन्सेंट्रेशन में जाता है माइंड। बट स्कूल और कॉलेज में अपन लोग स्टड होता है, अपन सोचते हैं यार ये सब चीजें क्या फालतू चीज करा रहे हैं यार, ये क्या है, ये मेडिटेशन कुछ नहीं है, क्या है ये योगा कुछ नहीं है। बट लेटर ऑन इन लाइफ यू विल रियलाइज कि दिस इज एवरीथिंग, राइट। तो बोलते ना कि बाद में जाकर ये ना बोलना पड़ेगा कि काश यार उस समय कर लिया होता तो और बेनिफिट मिलता, तो इसलिए आज कर लो अगर हो तो कॉलेज वगैरह में। और वैसे तो आप लोग को तो करना ही चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो यार, एग्जामिनेशन आपको देना है तो रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन तो आपका होना चाहिए। सो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, 84% पीजी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं मॉडरेट टू हाई लेवल स्ट्रेस।
64% स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि वर्कलोड जो है वो उनको उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है। 27.8% अंडर ग्रेजुएट और 15.3% पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो डायग्नोस किए गए हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ, राइट। और सुसाइडल आइडिएशन ये रिपोर्ट किया गया 16.2% स्टूडेंट में और 31.2% स्टूडेंट में पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर। सो मेजर स्ट्रेसर जो है वो क्या है, तो देखो वर्किंग आवर्स इनके बहुत ज्यादा होते हैं, 60 आवर्स अ वीक, राइट। प्रॉपर रेस्ट मिल नहीं पाता, बर्नआउट हो जाते हैं पीजी स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल इश्यूज कई बार हम लोग को देखने को मिलते हैं, 60.1% स्टूडेंट्स इम्पैक्टेड है हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के कारण। पर्याप्त मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम नहीं है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, राइट। कई बार कोपिंग मैकेनिज्म जो है उसका उपयोग जो है वो किया जाता है 19% पीजी स्टूडेंट्स के बीच में, राइट। कि सोचते हैं कि चलो सब्सटेंस का उपयोग कर रहे हैं कोप करने के लिए, जैसे ड्रग्स वगैरह, ये चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, अल्कोहल वगैरह, है ना, ये अक्सर हो जाता है कि स्ट्रेस हो रहा है चलो अल्कोहल जो है वो ले लिया। बट फर्दर अल्कोहल जो है वो बहुत कम टाइम को आप के लिए आपका साथ देगी, जब तक आप पी रहे हो, जब उतरेगी तो वापस से आप उस पोजीशन पे चले आओगे, फिर वो साइकिल फिर आपकी बन जाएगी, फिर से आप पीने लगोगे, तो ऐसे इंसान आदि बनने लगता है, राइट। और फिर वो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों को खराब करने लगती है धीरे धीरे करके। डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट, भेदभाव और उत्पीड़न, 31% पीजी स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि वो जेंडर बेस्ड, कास्ट, एथनिसिटी और दूसरे फैक्टर्स, होता है ना कई बार आपने वो थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, कई तरीके की डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव जो है वो देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। रैगिंग होती है, हरासमेंट होता है सीनियर्स के थ्रू, काफी सारी मूवीज में आया हुआ है, राइट, तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर इंडिया के बारे में बात करें तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-2016 में रिपोर्ट किया गया कि 10.6% इंडियन अडल्ट जो है वो सफर हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज है, और अर्बन एरियाज जो है वहां पर ज्यादा इश्यूज है, क्योंकि अर्बन एरिया शहरी एरियाज में चोचले ज्यादा है, राइट, अलग अलग प्रकार के, राइट, दिखावा ज्यादा हो गया है आजकल, राइट, उस कारण भी स्ट्रेस हो जा रहा है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस तो दे दिया ये सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में हर एक आदमी अपने आप को बेहतरीन, पॉपुलर दिखाता है, खुश दिखाता है, नई नई जगह घूम रहा है तो उसकी फोटो दिखाता है। अब जो व्यक्ति बेचारा घर के अंदर बैठा हुआ दुखी है, जिसकी जॉब नहीं मिल रही, जो घूम नहीं पा रहा, पैसे नहीं है जिसकी जेब में, वो ये सोशल मीडिया पर ये सब चीजें देखता है तो उसका और दिमाग खराब होता है। बट उसको क्या पता कि उसका दोस्त जो ये सब चीजें दिखा रहा है वो सिर्फ दिखा रहा है, वो एक्चुअल में एंजॉय नहीं कर रहा, वो दिखावा कर रहा है, राइट। किसी और की प्लेट की फोटो खींच कर डाल दे रहा है, या मैंने कई बार ऐसे भी लोगों को देखा है यार, बहुत सनकी लोग होते हैं वो, आजकल वो वाला वो नहीं चल रहा कि कार ड्राइव करते हुए वीडियो बनाना, मैक्सिमम लोगों के स्टेटस में ऐसा होता है, राइट, कि दिखने में वो अच्छा भी लगता है, बट लोग बताओ आजकल क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से अलग अलग वीडियो निकाल के वो चिपका दे रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कार से घूमने गया हूँ कहीं पे। एनीवेज, तो ऐसी चीज चल रही है, आप सभी लोग जानते, तो ये सब चीजें मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। तो पॉलिसी चैलेंज क्या है, तो मेंटल हेल्थ जो है वो अभी भी लो प्रायोरिटी में है भाई, साइकाइट्रिस्ट को दिखाना जरूरी होता है अगर आप मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हो, तो मेंटल इश्यूज का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो। लोग बाग साइकाइट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं आते क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे हम जाएंगे तो समाज ये बोलेगा कि हम पागल हैं इसलिए गए, है ना, नहीं बॉस जाना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली कंसल्ट करता हूं साइकाइट्रिस्ट से, पर्सनली, मैंने पहले ही बताया हुआ है क्लासेस के अंदर, आप जाओ यार, काफी सारे साइकेट्रिस्ट मिलेंगे जो आप, जिससे आपको काफी फायदा होगा। आप किसी परेशानी में हो, प्रॉब्लम्स में हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे करियर में, लाइफ में, गो टू साइकेट्रिस्ट, वो आपको गाइड करेंगे, जाओ मिलो, वो आपके स्ट्रेस को जो है वो दूर करेंगे, आपको टेक्निक्स बताएंगे कि क्या करो स्ट्रेस दूर करने के लिए। अब वो आप, अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही, गो टू साइकेट्रिस्ट, वो आपको हेल्प करेंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है। तो बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं कि आप पागल आदमी सिर्फ उनके पास जा रहा है। मैं भी बीच में डिप्रेस था, काफी ज्यादा था, तो मैं गया था साइकेट्रिस्ट के पास, उनने मुझे बहुत सारी ट्रिक्स बताई जिससे मेरी बहुत सारी जो बैड हैबिट्स थी वो छूटी और स्ट्रेस खत्म हो गया। अब वो तो खत्म हो गया, बट अब क्या करें, अपन हड़बड़ी आदमी ना, अपन अब उसी हड़बड़ी के चक्कर में अभी गिर गए। मैंने आपको बताया था फ्राइडे को गिरा था मैं, सैटरडे वाली क्लास में मैंने आपको बताया होगा, तो उसमें ऐसी हालत खराब हुई है कि खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं, मतलब बैठ भी नहीं पा रहा ना खड़ा हो पा रहा हूँ मैं, अभी भी लेक्चर आपका जो ले रहा हूँ ये लेटा लेटा ले रहा हूँ बेड पे, पता नहीं क्या बोले, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है मेरे साथ।
बजट का एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, पैसे का इशू, राइट, ये चीज है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि जैसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाओ तो खर्चा बढ़ जाता है, एक नया खर्चा सेक्रेटरिस्ट का हो जाएगा, क्या मतलब? नहीं भाई, ये सब चीजें आप जिसको खर्चा बोल रहे हो ये आपका खर्चा नहीं है, आपके आपके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है। एचआईवी एड्स स्ट्रेटजी से लेसन लेने की आवश्यकता है। इंडिया ने इंडिया का सक्सेसफुल प्रोग्राम ही है एचआईवी एड्स का, जिसका रियल टाइम डेटा हम लोग को देखने को मिलता है, कम्युनिटीज के अंदर एंगेज है। आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो सबसे पहले आपके इलाज से पहले आपका एचआईवी टेस्ट होता है, पता है आपको? ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल ओपीडी की बात नहीं कर रहा। स्टिग्मा लोगों के बीच में खत्म हुआ है, पहले बोलते थे ना एचआईवी छूने से फैलता है, आप लोग थोड़े से अवेयर है कि नहीं भाई छूने से नहीं फैलता, राइट? तो वैसे ही हम लोग को मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी, इसी प्रकार की कम्युनिटी बेस्ड मॉडल जो है वो लेकर आना पड़ेगा, कम्युनिटी को जो है वो शामिल करना पड़ेगा, राइट, लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बड़ी चीज होती है। लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं अरे क्या ही हो जाएगा यार, भाई इमोशनल आदमी जब अपने इमोशंस में रहता है ना तो वो उसकी उम्र कोई भी हो वो कुछ भी बचपना कर सकता है। इवन आई डिड 2-3 years back मैंने भी यही बचपना किया था बहुत। अब जैसे बोलते ना कि भाई इतना बड़ा हो गया यार तू कॉलेज जैसी कॉलेज वाले बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, ये हो जाता है कभी कभी जब इंसान थोड़ा सा किसी चीज को लेकर जो है वो परेशान हो जाता है ना तो कुछ भी करता है। जैसे मैं अपने घर से निकलता था कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, मतलब भोपाल में हूँ, भोपाल से निकल रहा हूँ कि आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में मन नहीं किया तो फ्लाइट लेके हैदराबाद पहुंच गए, हैदराबाद में मेरा दोस्त रहता है, वहां मन नहीं किया फ्लाइट लेके जो है गुजरात पहुंच गए। तो क्या हो रहा है, घर वाले परेशान कि इसको हर दूसरे दिन फोन कर रहा है, हर दूसरे दिन दूसरी सिटी में मिल रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं अच्छा नहीं लग रहा, सो नहीं रहा हूं प्रॉपरली, कोशिश कर रहा हूं कि पार्टीज करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, बट वो और मैंने बोला ना वो ट्रैप जो होता है, मैं उस ट्रैप में फंस गया था। देन आई मेट साइकाइट्रिस्ट, उस बहुत बहुत लेट मिला था, मैंने तो बहुत बर्बादी करने का मिला था, तब समझ में आया कि नहीं यार अब चीजों को इस तरीके से हैंडल करना है, राइट? तो वो वाली चीज है, क्योंकि जो मैंने बोला ना कि जो एक इंसान स्ट्रेस पर रहता है इमोशनल रहता है, तो आप क्योंकि हर एक इंसान का इमोशनल लेवल अलग रहता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो भी अलग रहता है। तो अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसको अवॉइड मत करो कि अरे यार तू तो यार बस ये ऐसा ही है, राइट? उसको समझाओ, एक बार नहीं समझेगा, दो बार नहीं समझेगा, तीन बार नहीं समझेगा, बार बार समझाओ, क्योंकि जब इंसान एक इमोशनल फीलिंग्स में रहता है ना तो वो समझता नहीं किसी चीज को। आपको उसके परिवार के साथ कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा, जैसे ये मेरा एक फ्रेंड है वो भी एक बहुत ही खतरनाक इमोशनल ट्रॉमा में है, तो आई एम इन कंटिन्यूअस टच विद हिज फैमिली, कंटिन्यूअस टच, उसकी मम्मी से बात करता हूँ, उसके फादर से बात होती है मेरी, उनकी मुझसे बात होती है कि कैसा है वो, क्या है, ठीक है अभी की नहीं है, बिकॉज इफ यू आर अ फ्रेंड, इफ यू आर अ क्लोज वन, तो वो आपके साथ आपकी पूरी बातें शेयर करेगा या करेंगी। सो नेवर इग्नोर देम। हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये तेज भक्ति दुनिया में कई बार हम ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं और वो लोग फिर एक टाइम पे हमें खबर मिलती है कि उनने कुछ गलत कर लिया, राइट? तो उसके जिम्मेदार कौन हुए, हम सोसाइटी। तो इसलिए अब आने वाले समय में आप लोग बनने वाले हो भाई, देखो लिखा भी हो सक्सेसफुल मॉडल, जैसे कि बेनियंस होम अगेन प्रोग्राम, राइट, तमिलनाडु का बरगद के होम अगेन कार्यक्रम, राइट, बेनियन ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको लगाने से रिलेटेड ये प्रोग्राम था। तो ऐसे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, इसमें मेरे ख्याल से तमिलनाडु का ये वाला प्रोग्राम था कि लोगों ने अपने नाम, मतलब एक नाम दिया था इसका और एक घर परिवार की तरह इसको जो है वो पाल रहे थे, राइट, ऐसा कुछ था। फिर सपोर्ट सिस्टम, भाई काउंसलिंग सेंटर ओपन किए जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लाया जाए, पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाया जाए, यानी कम्युनिटी हेल्प करे एक दूसरे की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बढ़ावा दिया जाए, राइट, ऑटोनोमस एजेंसी इस्टेब्लिश करो, जैसे कि नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके की, राइट, मेंटल हेल्थ सर्विस जो है उसको एक्सपेंड करो, गांव क्षेत्रों में भी लेकर जाओ, दूर दराज के एरियाज तक जो है वो पहुंचाओ, राइट, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है आज की रेट का ये। अब मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इन्होंने लॉन्च किया है MVI, ये लिख लेना, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, UNGA के द्वारा। किस पर्पज के लिए, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है, SIDS इसको बोलते हैं हम लोग, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स,
जो छोटे आइलैंड्स होते हैं ना, तो उनके लिए क्यों होगा? तो आप अभी समझ ही गए होगे यार कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये आइलैंड्स जो है उनको सबसे ज्यादा खतरा है। क्यों खतरा है? ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, तो ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स क्या होंगे? पानी के नीचे नहीं चले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है। 1990 से ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है इनका हायर जीडीपी पर कैपिटा के बावजूद, क्योंकि अब देखो हायर जीडीपी पर कैपिटा इसीलिए यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, इसलिए पर कैपिटा जीडीपी जो है वो हाई रहती है यहाँ पर, पॉपुलेशन का पूरा खेल होता है। तो अब यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इनको रिस्क है, तो ये बात आप सभी जानते हैं। सब मतलब यानी कि ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए कभी भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स कहाँ है वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह, तो इनने कॉन्ट्रीब्यूट कभी नहीं किया जलवायु परिवर्तन में। बट सबसे पहले जो है वो जलवायु परिवर्तन का संकट इन्हीं के ऊपर आएगा, और आ ही रहा है, आएगा क्या? तो ये MVI जो है ये हेल्प करेगी इनको कि भाई इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, सोशली, ये हर तरीके से हेल्प करेगी, इसलिए ये चीज लाई गई है बस। अब ये इंडेक्स है, सूचकांक हम लोग को देखने को लेते, बताएगा कि भाई क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, राइट, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर सेट्स में। तो ये एक इंटरनेशनल क्वांटिटेटिव बेंचमार्क है, क्या ये इंडेक्स है भाई, सूचकांक है, तो ये बेंच क्वांटिटेटिव क्वांटिटी के आधार पर चीजों का आकलन करेगा कि किस तरीके से अलग अलग तरीकों से आप जो है वो इस आइलैंड को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसकी आवश्यकता जो है वो क्या है? आवश्यकता इसलिए क्योंकि इनको रिस्क है सबसे ज्यादा भाई, तो इसलिए इनको मेजर करना बहुत जरूरी है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सब चीजें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, अब गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो मल्टी डायमेंशनैलिटी, बहु आयाम, आयामिता, तो ये इंडेक्स कवर करेगा इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल डायमेंशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सतत विकास पर काम करेगा। यूनिवर्सैलिटी, सभी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो सब इसके अंदर कैप्चर की गई हैं। एक्सोजेनिटी, पॉलिसी इंड्यूस्ड और एक्सोजीनियस फैक्टर्स दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? पॉलिसी इंड्यूस मतलब नीति प्रेरित, कि पॉलिसी क्या की जानी चाहिए, और जो एक्सोजीनियस फैक्टर है, हम पॉलिसी जो बना रहे हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके कारण से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोनों को शामिल किया गया। फिर क्या क्या चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉपर रिलायबल डेटा होगा ये, मतलब ऐसा डेटा जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। फिर क्लियर और इजीली कॉम्प्रिहेंसिव इसका डिजाइन रहेगा पूरे इंडेक्स का। कि अब देखो इंडेक्स की जब रिपोर्ट आएगी तब और बेहतर तरीके से समझ आएगा ये, हालांकि अभी आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA ने जो है वो इस प्रकार का MVI इंडेक्स जो है वो लेकर आई है, किसके लिए? सेट्स के लिए, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, दैट्स इट। और ये हेल्प करेंगे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे कि कैसे ये रिस्क से जो है वो बाहर आए, बस यही था और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब जो मेन काम की बात है वो लिख लो भैया, ब्लू मून फिनोमेना लिखेंगे आप। ये अगस्त 2024 में देखने को मिला, और ये कंसेप्ट जो है ब्लू मून का, ये साइंटिफिक और कल्चरल ट्रेडिशन दोनों का है, तो ये लिख लो। तीसरी चीज, ये कंसेप्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परंपराओं से रिलेटेड। ये टर्म जो है वो ब्लू मून, इसका उपयोग जो है वो मेटाफोरिकली किया जा रहा था 19th century से। किसके आधार पर? शब्द, एक शब्द के आधार पर इसका उपयोग किया जा रहा था, ब्लू मून, बोलते वंस इन अ ब्लू मून। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम साल में एक बार दिखाई दे रहे हो, कोई दोस्त होता है वो दिखाई नहीं देता, बहुत समय बाद आपको मिलता है, तो उसको बोलते ना कि यार वंस इन अ ब्लू मून जैसा हो गया है, तो दिख ही नहीं रहा है। तो ब्लू मून जो है उसको डिफाइन किया जाता है सेकेंड फुल मून अकरिंग विद इन अ सिंगल कैलेंडर मंथ। तो ब्लू मून दूसरी बार जो है फुल मून जब आता है कैलेंडर में तो उसको ब्लू मून कहते हैं। ये लिख लो भैया, ब्लू मून किसको कहते हैं? एक कैलेंडर महीने में होने वाला दूसरी पूर्णिमा। अब अपकमिंग ब्लू मून जो है वो 31 मई 2026 को हम लोग को देखने को मिलेगा कि आएगा, राइट, यानी कि एक महीने में दो जो फुल मून होते हैं ना, ये अब नेक्स्ट जो आएगा वो 31 मई 2026, सोचो आप कितने टाइम बाद।
तो दो प्रकार की ये ब्लू मून हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब एक सीजनल ब्लू मून होता है और एक मंथली ब्लू मून होता है। सीजनल मतलब अकर व्हेन देयर आर फोर फुल मून्स इन अ सिंगल एस्ट्रोनॉमिकल सीजन, यानी अगर एक कोई सीजन है स्प्रिंग समर ऑटम विंटर वसंत ग्रीष्म शरद या सर्दी का मौसम है, उसमें अगर मतलब यानी कि ये चार महीने के पीरियड में राइट, उसमें अगर हम लोग को जो है वो चार मून दिखाई दे जाते हैं राइट, इस पीरियड में उसमें अगर चार मून दिखाई दे जाते हैं या तीन महीने के पीरियड में चार मून दिखाई दे जाते हैं, तो यूजुअली तो तीन महीने के पीरियड में तीन दिखाई देंगे, बट तीन की जगह इस तीन महीने के पीरियड में चार दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि देखो ये सब मौसम जो है वो तीन तीन महीने के होते हैं, बात समझना, हर महीने में एक फुल मून दिखाई देगा, बट इन तीन महीने मतलब की जगह यानी कि एक 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 सीजन में अगर तीन मून्स की जगह चार दिखाई दे दिए गए तो वो सीजनल ब्लू मून हो गया। बस सिंपल सी बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये फिनोमेना जो है ये कब होता है, वो लूनार साइकिल के ड्यूरेशन पर हम लोग को देखने को मिलता है राइट। अब मंथली ब्लू मून के बारे में बात करें तो मंथली ब्लू मून मतलब यानी कि एक महीने के अंदर अगर दूसरी बार अगर पूर्णिमा हो गई तो वो ब्लू मून जो है वो कहलाया जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जो है वो कब होगा, 2026 में। तो ये वंस इन अ ब्लू मून जो बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि भाई तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, बहुत सालों बाद दिखाई दे रहे हो, ये वो फिनोमेना और कुछ नहीं है। तो ब्लू मून का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आपको ऑलरेडी पता है। मून जो है वो अपनी एक कंप्लीट साइकिल जो है वो करता है, धरती के कंप्लीट चक्कर 29.5 डेज में लगाता है, ये बात सभी को पता है आपको। अब इसको अगर आप देखो तो 354 डेज में 12 साइकिल लगा लेगा ये, यानी कि 354 डेज में 12 मून दिखाई देंगे और 12 महीने होते हैं, यानी कि हर महीने में एक मून दिखाई देगा। अब 13 फुल मून कब आएगा, तो देखो ये 29.5 डेज है तो हर 2.5 टू 3 ईयर्स में, हर ढाई से तीन साल में हम लोग को 13वां फुल मून देखने को मिलेगा, और यही जो होता है उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं। तो याद रखना, हर ढाई से तीन साल बाद जो है वो ब्लू मून नजर आता है। फरवरी जो है उसमें मात्र 28 दिन होते हैं रेगुलर ईयर में और 29 डेज होते हैं लीप ईयर में, तो ये कभी भी इसमें फरवरी वाले महीने में ब्लू मून नहीं होगा। तो ये फैक्ट भी लिख लेना भैया, ये प्रीलिम्स वाले फैक्ट है प्रॉपर। और एक टर्म ब्लू मून का जो है वो जनरली मून के कलर से रिलेट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मून जो है वो नीले कलर का होगा, इसका मतलब ये है कि भाई अपीयर हो रहा है राइट, मतलब इसका अपीयरेंस बहुत बाद में हो रहा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। मोस्ट पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन रिकॉर्ड किया गया था हिस्ट्री में, और ये मेयोन वॉल्केनो था फिलीपींस में, और इरप्शन जो है उसके अंदर हम लोग को क्लाइमेटिक फैक्टर देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर लेवल लो हो गया था, 0.4 से लेकर 0.7 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था 1816 में, और इसके अंदर समर गर्मी जो है वो नहीं हुई थी राइट, और इसकी वॉल्केनिक एशेज और पार्टिकल्स जो थे एटमॉस्फेयर में फैल गए थे, जिसके कारण मून जो है वो थोड़ा सा ब्लू दिखाई दे रहा था, और उसी समय ब्लू मून वाला टाइम था, तो इसलिए उसको ब्लू मून नाम दे दिया गया, और कुछ नहीं है इसके अंदर बस। तो ब्लू मून क्या होता है, समझ आ गया आपको कि ये टर्म जो है वो किस लिए बोल रहे हैं। अगर एक महीने में दो ब्लू मून मतलब एक महीने में दो बार पूर्णिमा हो गई, दो फुल मून हो गए, तो वो ब्लू मून वाला कैलेंडर होता है। और अगर एक तीन महीने का सीजन होता है, चार सीजन होते हैं जनरली, तीन महीने का एक सीजन होता है, और एक सीजन में अगर तीन से ज्यादा यानी कि चार मून हो गए, चार बार पूर्णिमा दिखाई दी, तो वो होगा कौन सा, सीजनल ब्लू मून, बात समझ में आ गई। और हर ढाई से तीन साल में ब्लू मून आता है। अब 354 डेज में हमें 12 साइकिल्स देखने को मिलती है, किसकी, चंद्रमा की, 12 महीने 12 साइकिल, तो और 29.5 डेज में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि एक महीने में लगभग एक महीने से कम है, और ये 0.5 डेज का जो सर्कल होता है वो चार बार में फुलफिल हो जाएगा। तो ढाई से तीन सालों में हम लोग को देखने को मिलता है जनरली कि ब्लू मून जो है वो नजर आ जाता है, और फरवरी में कभी भी ब्लू मून नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर जनरली 28 दिन का फरवरी होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से। अगला ब्लू मून जो है वो 2026 में दिखाई देगा बस। अब सुनो, नेशनल जियो साइंस अवार्ड, नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, ये चीज ध्यान में रखना, खदान मंत्रालय का ये हम लोग को देखने को मिलता है। और नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो एनजीए के अंदर एक कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार, और एनजीए एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा 1966 में, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, रेमिटेंस किसको बोलते हैं भैया, धन प्रेषण,
बाहर की कंट्री में कोई व्यक्ति रहता है और जब हमारे यहाँ पैसे भिजवाता है तो उस पैसे को रेमिटेंस कहा जाता है, राइट। तो LRS परमिट करता है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को कि वो अप टू 2.5 लाख 2.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा जो है वो भेज सकते हैं अपने घर पे। TCS ये एप्लीकेबल है इस LRS के अंडर, राइट। फिर LRS जो है वो गवर्न किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के द्वारा। तो ये रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है, बाकी रेमिटेंस आपको जो है पता होना चाहिए। TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जैसे TDS बोलते हैं ना अपन, वैसे ही है TCS, ये कंपनी वाला नहीं है। अब देखो क्रिटिकली हम लोग को इवेल्युएट करना है इंडिया की नेशनल जियो साइंस अवार्ड के बारे में, तो ये जियो साइंस अवार्ड से रिलेटेड मेन्स का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका आंसर देने की। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।